गणेश चतुर्थी 2024। दिस ईयर कंटेंट कम बनाया बट क्वालिटी पे ध्यान दिया और वो मुझे आपको दिखाना है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट था और यही मूर्ति मुझे देखने का मन था जिसका कारण से मैं इधर आया हूँ। अच्छा लगा। आज मैं आया हूँ उस जगह जहाँ पे बहुत सारे गणपति बप्पा हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। तो कुछ खरीद लिया सामान। 80 वाट का स्पीकर, इतना लाउड साउंड नहीं इसमें और बेस उतना हैवी नहीं है। और बस थोड़ा सा निकलेंगे यहाँ पे तो घूम लेंगे और आज ज़्यादा कुछ है नहीं ब्लॉग में दिखाने के, तो रात तक लूँगा ब्लॉग को। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वक्त कम है, बहुत जगह काम बाकी है क्योंकि मैं 15 किलोमीटर दूर आया हूँ ना, इसीलिए बजाज नगर जाके काम बाकी। आज साथ में अपना शंकर भाई, बहुत दिन के बाद शंकर थोड़ा यहाँ देख। यहाँ पे रात के वक्त आया था, भीड़ इतना था कि मैं जैसे से देखे चले गया था, बट अभी अच्छा से देखे और अच्छा लग रहा है। बट रात को ज़्यादा अच्छा था, अभी भी ठीक है, मतलब अच्छा है। और क्या सीधा शंकर देख रहा है कि डेकोरेशन किस तरीका से हुआ है, क्योंकि इसका भी टेंट हाउस है ना, तो ये आइडिया देख रहा है, ले रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सिर्फ नॉर्मल टायर है और यहाँ पे पेंट का खाली डब्बा पुराना जिसको यूज़ किया गया यहाँ पे, मतलब कचड़े से बनाया गया इसको, बहुत अच्छा देखना है। आ जाओ झसूड़ा झंडा चौक, झंडा लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम पहुंच गए उस जगह जहां पर आज हमें जाना बहुत जरूरी था। यस, लास्ट नाइट जब मैं यहां आया था तो सब कुछ देख चुका था, बस ये एक पंडाल रह गया था जो मुझे आज देखना ही था, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट था और यही मूर्ति मुझे देखने का मन था जिसका कारण से मैं इधर आया हूँ, और वो पता भी नहीं था कि कहाँ पर है, पता चल गया और अच्छा लगा। बस यही छोटा था, इसी को देखने का उम्मीद था तो देख लिए। अब ज़्यादा से निकलते हैं कि शाम होने वाला है ना शंकर भाई, करते हैं आप। हाँ चल चलो। अच्छा, तो ये अपने शंकर भाई का घर है, आप लोग पहले भी ऑलरेडी देख चुके हैं मेरे बहुत सारे ब्लॉग में। तो बस मैं हेलमेट पहनता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ घर बजाज नगर, क्योंकि काफ़ी दूर है और एक घंटे में अंधेरा हो जाएगा, तो उससे पहले मुझे घर पहुँचना है क्योंकि यहाँ पे और भी हमारे वहाँ गणेश पूजा है, वहाँ पे मैं लाइट का डेकोरेशन किया हूँ तो लाइट्स ऑन करने हैं। और बस ये है आज का काम, उसे ऑन करने के बाद ये ब्लॉग ख़त्म नहीं होगा, अभी और ही बाकी है। कुछ वहाँ पे अच्छे अच्छे पंडाल्स हैं जो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, बट इस बार फिर दिखाऊँगा क्योंकि इस बार का तरीका कुछ अलग होगा। ठीक है, तो बस हेलमेट पहनता हूँ और निकलता हूँ। ऐसे गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज आई एम फीलिंग लिटिल टायर्ड, और इतना दिन से काम जो कर रहा था ये तो होना ही। ब्रजराज नगर, यहाँ भी बहुत अच्छे से गणेश पूजा होती है, चलिए देख लेते हैं। गणपति बप्पा को आने में देर तो बहुत लगते हैं बट विसर्जन बहुत जल्दी आ जाता है। ओके गाइस, गणपति बप्पा को विसर्जन के लेके जा रहे हैं और साथ में जीतू और हम दोनों ही जा रहे हैं। विसर्जन कर देंगे, सिंपल सा कर रहे हैं, इतना काम काफ़ी ज़्यादा काम है और वो जानते हैं बहुत मुश्किल से, बहुत सही कारण हमें सोच लेते हैं लेकिन निकालना भी ज़रूरी है। गणपति बप्पा मोरिया। लोग गणेश पूजा करते हैं विसर्जन के टाइम बहुत सैड फीलिंग करते हैं, वो अलग बात है कि आप पूजा कर रहे हैं, मैं तो एक महीने से बना रहा हूँ तो मेरे को कितना सैड फीलिंग लगता होगा जीतू को पता है। तो ऐसे होता है कि हाँ विसर्जन होगा उसके बाद नेक्स्ट ईयर तो फिर बनाना है, फिर आएंगे गणपति बप्पा, तो चलो विसर्जन करते हैं।